फ्रेंड्स, सिंपल एंड टेस्टी खाने में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। मैंने साग, पालक और मेथी को अच्छी तरह साफ करके धोकर काट लिया है और यहाँ एक गुट्टी बथुए के पत्ते अलग करके इन्हें भी अच्छी तरह धो लिया है। इन्हें मैं ऐसे ही डाल दूंगी क्योंकि ये पत्ते बहुत ही ज़्यादा नरम होते हैं। साग को मैंने कुकर में डाल दिया है। अब इसमें 10 से 12 हरी मिर्चें और एक चम्मच नमक डालेंगे, साथ ही एक गिलास पानी। आप नमक अपने स्वादानुसार डालिए और मिर्चें भी जितना आप तीखा पसंद करते हैं डाल दीजिए। अब इसे हिलाएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। साग नीचे हो चुका है, अब इसमें बाकी बचा हुआ साग भी डाल देंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे करके सारा साग कुकर में डालते जाएंगे। इसे कुछ देर खुला ही पकाएंगे ताकि साग नीचे हो जाए। साग को पकते हुए थोड़ी देर हो चुकी है, अब ढक्कन लगाकर तेज आंच पर एक सीटी आने देंगे। जब तक साग पक रहा है तब तक तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने एक प्याज, एक टुकड़ा अदरक का, दो टमाटर और एक गांठ लहसुन की ली है। अब मैं इन सभी चीजों को छील कर एक सीटी आ चुकी है। अब फ्लेम को लो कर देंगे और साग को 40 से 45 मिनट तक पकने देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, अब साग को चेक कर लेते हैं। साग गल चुका है, अब इसमें आलन डालेंगे। मैंने बाजरे के आटे का प्रयोग किया है, आप चाहें तो इसकी जगह मक्की के आटे का या बेसन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आटा डालने के बाद साग को अच्छी तरह घोट लेंगे। साग को अच्छी तरह घोटने के बाद इसे आग पर चढ़ा दिया है क्योंकि आटा कच्चा था। अब इसे बीच बीच में से हिलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे। तड़का लगाने के लिए पैन में घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें लहसुन डालेंगे और इसे भूनेंगे। लहसुन भुन चुका है, अब इसमें प्याज और अदरक डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह। सभी चीजें भुन चुकी हैं, अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे जिसमें नमक, धनिया और लाल मिर्च है और सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे और इन्हें सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तड़का तैयार है, अब इसमें साग डालेंगे। लीजिए, साग बनकर तैयार है। अगर आपको सरसों के साग की ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।